सो गाइज़ हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। सो गाइज़ आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं एक माइनक्राफ्ट का न्यू चैलेंज लेके। और गाइज़ मुझे तो ये भी याद नहीं मैंने लास्ट चैलेंज कब किया था, लेकिन हाँ आज हम लोग फिर से आ गए। और आज पीछे आपका नदर पोर्टल दिख रहा होगा, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का चैलेंज नदर में होने वाला है। ये कोई ऐसा वैसा चैलेंज नहीं है, आज मैं जा रहा हूँ पूरे पूरे 7 दिन के लिए नदर में। और हाँ मैं ओवरवर्ल्ड में नहीं रह सकता, हाँ रिसोर्सेस लेने आऊँगा पर रह नहीं सकता हूँ ओवरवर्ल्ड में, मुझे वहीं पे घर बनाना पड़ेगा। और ये देखो मैंने कुछ सामान कलेक्ट किया है, सो लेट्स गो हम लोग चलते हैं। बट उससे पहले मैं आपको समझा दूँ, मुझे वहीं पे घर बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ें मेरी वहीं पे होंगी और मज़ा आने वाला है। देखते हैं मैं कितनी प्रोग्रेस 7 दिन में कर पाऊँगा, केवल 7 दिन की वेकेशन है, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस ये छोटा सा पार्कर बना रखा है मैंने, लेट्स गो यहाँ पे पार करते हैं। अरे भाई 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 मैं गिर गया, कोई बात नहीं चलते हैं नज़र में, लेट्स गो। तो ओके गाइस हम लोग आ चुके हैं नज़र में, और यहाँ पे कुछ आयरन गोलम्स भी मैंने स्पॉन करा रखे हैं, और कुछ ये एरिया बना दिया है मैंने पहले से ही, यहाँ पे कैंप फायर से लगा दिए। और यहाँ पे मेरे दोस्त राइडर, इसको कुछ भी बोलते हैं, वो यहाँ पे हैं जिससे कि मैं थोड़ा ठहर सकूँ, बिकॉज़ ये दूर दूर तक पूरा लावे में है। अभी मैं आपको पूरा टूर दूंगा। और ये यहाँ पे कुछ फर्नेस है जिसमें मैंने आयरन स्मेल्ट किया था, देखो स्मेल्ट भी हो चुका होगा, तो मैं इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ, दूसरा लगा के इसको यहाँ से निकाल लेंगे। लेट्स गो चेस्ट खोलते हैं। ये देखो वैसे इतना सारा सामान इसमें भरा पड़ा हुआ है, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट कर रखी हैं जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग तुरंत से सारी चीज़ें बनाने लगे। सो यहाँ पे मैं छोटा सा सोच रहा हूँ कि एक कैफेटेरिया टाइप का बनाऊँगा, वहाँ पे ऐसे खाना वाना खाएंगे। और आप लोगों ने जैसा कि पीछे देखा वहाँ पे बहुत सारा लावा था, और यहाँ पे मैंने एक बीकन भी लगाया जिसको मैं यूज़ नहीं करने वाला, बिकॉज़ आप लोग को पता है कि पूरा ऊपर तक तोड़ के मैं गया हूँ, उसके बाद बीकन बन पाए। ये केवल ऐसे डेकोरेशन के लिए है, नहीं तो फिर मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला ऐसे ही। और हाँ सो अब स्टार्ट करते हैं बनाना, लेट्स गो सारा सामान इकट्ठा करते हैं। ओके गाइस तो मैं सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया है, लेट्स गो अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और आयरन गोलम तो साइड हो जा, पहले थोड़ी सी मार्किंग ले लेते हैं, 2 ब्लॉक छोड़ के बनाएंगे हम इसको, जिससे कि आने जाने का रास्ता भी प्रॉपर बने ना, इसीलिए। सो यहाँ पर 2 ब्लॉक छोड़ते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। बाय द वे एक सीढ़ी मैं सोच रहा हूँ लेयर की वाली लगाऊँ। ओके सो लेट्स गो यही लगाते हैं। ओके गाइस तो फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने घर बना लिया है, जल्दी से मैं आपको अंदर का एरिया दिखाता हूँ। और हाँ आपको यहाँ पे दूसरे वाले स्टोन्स दिख रहे होंगे, बिकॉज़ पहले वो जो मैंने स्टोन ब्रिक्स लगाए थे ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। और यहाँ ऊपर आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें मैंने लगा रखी हैं कि रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ने वाली है। और यहाँ पर कुछ थोड़ा सामान जो बच गया था वो मैंने रख दिया है, बाकी फूड की भी कमी यहाँ पर नहीं पड़ने वाली, बिकॉज़ वो जो सुअर टाइप के होते हैं उनको मैं मार लूँगा आराम से। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सजावट करी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास गोल्ड कहाँ से आया, तो भाई ये नदर है और 1.19 वर्जन चल रहा है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है गोल्ड कहाँ से मिला मुझे। सो हाँ मुझे वहीं से गोल्ड। और एक सेकेंड जरा रुको, ये दोनों लोग क्यों मेरे को मार रहे हैं, ज़्यादा मेरे ऊपर ज़्यादा दिमाग ख़राब है क्या इनका, रुको जरा 1 मिनट जरा गाइस मैं इनको एकदम बढ़िया इनकी सुताई कर देता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ, लेट्स गो पहले। अरे यार मेरा सामान नहीं मिलता, एक तो इतना सारा सामान है ना मेरे पास, पहले मुझे सारा एक बार अच्छे से सेट कर लूँ, सारी चीज़ें बना लूँ, उसके बाद इसको अगले वाले एपिसोड में हम लोग सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज कर देंगे। रुको बेटा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अभी बताता हूँ तुम लोग को। ये एक गया और तू तब तक ट्रेड करेगा, ये ले एक और धप्पा हो गया तेरे। चलो लेट्स गो गाइस, अब हम लोग इसको तो मार दिए हैं, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट बिल्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कारपेट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक बार टेस्ट कर लिया जो बीकन है ना, अगर इसके ऊपर हम लोग कारपेट लगाते हैं तो फिर भी इसकी रेस को कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है।
ओके गाइस, तो फाइनली मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया और देख लो कितना मस्त लुक लग रहा है। यहाँ पे मैंने मस्त थोड़ा केक वेक लगा दिया। अब केक मुझे कहाँ से मिला ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मस्त मैं ओवर वर्ल्ड गया, कुछ मेहनत करके ले आया ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मिल्क की बकेट और एक पॉट है जिसको हम लोग ऐसे ग्लास टाइप का समझ सकते हैं, पानी पी सकते हैं। बीकन की रेज एक चीज़ बढ़िया है कि सेंटर में कोई दिक्कत नहीं आई इसको बनाने में। और ये मैं सोच रहा था कि पहले दो बनाएंगे यहाँ पे टेबल, पर एक काफ़ी ना सही लग रही है। और यहाँ पे मैंने पूरे में कारपेट बिछा दिए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लैंटर्न लगा दिए हैं डेकोरेशन के लिए। सो एक बार मैं सोच रहा हूँ आप लोग को क्रिएटिव में जाके दिखा देता हूँ, ये कोई भी मैं सामान नहीं लूँगा, मैं एक बार बस क्रिएटिव में जाके आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस ये देखो ऐसा कुछ लग, ये मेरा पूरा वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड क्या है, पूरा हाउस मेरा है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मेरा पोर्टल है, ये मेरा हाउस है, यहाँ पे मेरे दोनों स्ट्राइडर है, और ये पूरा कारपेट से ढका हुआ है। और ये देखो ये ऊपर से कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ पे फूल ऐसे मैंने लगा रखा है इसको, और ये बीकन की रेंज पूरी ऊपर तक जा रही है। सो आई होप ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी अच्छा लगे तो एक बार कमेंट में मुझे बताना कि कैसा लग रहा है, और इसमें कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए ये भी बताना मुझे। और अब हम लोग ज़रा एक अच्छी सी एंगल ले लेते हैं। सो आई होप आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, अगर आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलूँगा आप लोगों से आने वाली और भी भयंकर वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है, उसके लिए मुझे आइडियाज़ दो कि मुझे इसमें और क्या क्या बिल्ड करना चाहिए, और आगे भी और बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स आते रहेंगे। सो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। मैं चला, गुड बाय।